एज 14 से 25 साल और खासकर 12, 13 और 14, वो एज जब हम प्यूबर्टी में इंटर करते हैं। प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था। इस एज में हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि हमारी आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है, अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, इन शॉर्ट हमारा बचपन खत्म होने लगता है और हम बच्चे से एडल्ट बनने लग जाते हैं। कई सारी चीज़ें हमें बहुत ही परेशान करती है, कई सारी चीज़ों से हम बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। हम अपोजिट जेंडर से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि मुझे वो मिलनी चाहिए या फिर मिलना चाहिए, बाकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ जो आपके साथ में होता है, इट्स नॉर्मल। अच्छे अच्छे लोगों का मन भटक जाता है तो फिर आप क्या चीज़ हो। लेकिन वो लाइफ लेसन आज मैं आपको देने वाला हूँ जो लगभग 2000 साल पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया था। और यकीन मानिए, ये जो एडवाइस है ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है और आपको एक महान इंसान बना सकती है, ये एक एडवाइस। चंद्रगुप्त मौर्य एक बार एक लड़की से अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनके मन में भी एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उन फीलिंग्स की वजह से वो अंदर ही अंदर तड़पने लगते हैं। और तभी उन्होंने ये बात आचार्य चाणक्य को बताई। और आचार्य चाणक्य ने इस पर कहा कि चंद्रगुप्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें कई सारी विद्याएं सिखाई, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया। और खासकर इसी संवेदनशील फीलिंग्स को संभालने के बारे में, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स का और गणित का ज्ञान तो आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन हमारे माइंड के अटैचमेंट से जो फीलिंग्स आ रही है उसे सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही समझा जा सकता है। और तभी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि बच्चों को 1 से 5 साल तक अपने दिल का टुकड़ा मानकर उसे बहुत प्यार करना चाहिए, और फिर अगले 5 साल उसे कड़े अनुशासन और डिसिप्लिन में रखना चाहिए, और जब वो 16 साल का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। तो अब तुम मेरे दोस्त हो चंद्रगुप्त, और मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के दम पर तुम्हारे मन को इन फीलिंग्स और डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका बता सकता हूँ। अभी तुम्हारे दिल में एक अलग ही पेन हो रहा होगा और अजीब सी फीलिंग्स हो रही होगी, ऐसी फीलिंग्स जो कि आज तक तुमको कभी नहीं हुई होगी। तुमको लग रहा होगा कि दुनिया में सिर्फ मुझे ही इतनी बड़ी फीलिंग्स और पेन हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण सा आकर्षण मात्र है। एक पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण, एक बॉय का गर्ल के लिए अट्रैक्शन। लेकिन अगर इस अट्रैक्शन को और इसके प्रभाव को कम नहीं किया गया तो इसके बहुत बुरे रिजल्ट हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई भी आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, यानी कि सेक्सुअलिटी से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। तभी चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य से पूछते हैं कि क्या एक मेल और फीमेल का मिलना कोई बुरी बात है। तभी चाणक्य ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए ये बहुत ही घातक होगा। ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। जिनके मन पर लव, अटैचमेंट और अट्रैक्शन ने डेरा जमा रखा हो, वो अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं। वो हमेशा इनसिक्योर रहेगा। ये किसी किसान, बिजनेसमैन या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए साधारण हो सकता है, लेकिन जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्यार, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, कामुकता उसके पतन का कारण बनती है। तभी चंद्रगुप्त ने पूछा कि आचार्य, कभी कभी तो लगता है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए अगर इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ता तो। तभी आचार्य चाणक्य ने कहा कि साधारण मूल्य चुका कर अगर इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की जरूरत होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अगर आप नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहते हो, 30 से 40 हज़ार रुपये की जॉब या फिर कुछ छोटा मोटा ही काम करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको इतना नहीं रोकेगी। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में महान लक्ष्य का सपना देखा है तो शायद ये आपको रोकेगी या फिर आपको बर्बाद भी कर सकती है। ये चीज़ आपका वो सपना जो कि महीनों से और सालों से आप देख रहे थे, वो मिनटों में बर्बाद करके ले जाएगी। आपका ड्रीम ड्रीम रह जाएगा और किसी इंसान को पाना आपका ड्रीम बन जाएगा। आपको लगता होगा कि मेरे लिए वही सब कुछ है, मेरे अंदर जो उसके लिए फीलिंग्स है वो किसी इंसान के लिए नहीं है। लेकिन जैसा कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि ये सिर्फ एक साधारण सा आकर्षण मात्र है, ये सिर्फ हार्मोन्स का खेल है। एक बार आप इसमें पड़ गए, किसी से अट्रैक्ट हो गए, तो हर पल आपके मन में एक अजीब सी फीलिंग उठने लगेगी। आप हर वक्त इनसिक्योर रहोगे, आप सब भूल जाओगे। जिंदगी आपकी है, आपको ही तय करना है कि आपको क्या करना है। मुझे जितना बताना था वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाखों लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। और ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।